नागपुर के नारा बस स्टॉप कोराडी रोड से एक पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट किए जाने की बात सामने आई है, जहां महिला के परिवार वालों ने महिला के ससुराल वालों को जमकर पीटा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से करनी चाहिए तो पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया। वही नारा निवासी प्रवीण सेलेटकर ने न्याय देने की मांग की है। प्रवीण, मेरा नाम प्रवीण जुगलदास सेवतकर, मेरा रहना नारा बस स्टॉप कोराडी रोड नागपुर, फ्लैट नंबर 28। मैं यहाँ का रहवासी हूँ और छोटे भाई के ससरे और उनका साला, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे ऊपर से आवाज आई, मैं बाहर आके देखा तो मैं ऊपर जाके देख रहा था इसको मारना ये करना। मैं उनको समझा रहा हूँ कि भैया अपन कल बात कर लेंगे, फिर रात ज़्यादा हो गई है तो कुछ भी नहीं सुन रहे। तो वो सब चीज़ें होने के बाद में तो वो जो मेरे भाई की मिसेज वो बच्ची को लेके बोलने लगी कि मैं तुमको फंसा रही हूँ, मैं तुमको पूरा परिवार फंसा दूंगी, मैं अपनी लड़की को और मरने के लिए जा रही हूँ। तो मेरा भाई वैसे ही पीछे दौड़ा, मैं उसके पीछे दौड़ा कि मत जा करके पीछे आपको पुलिस चौकी चलते। जब हम वहाँ गए, इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में मेरे भाई को ख़त्म करने का और हमारे पूरे परिवार को फंसाने का ये करके इन्होंने हमारे पास में कुछ भी नहीं, वो उनके पूरे लाठी के साथ पूरे गाड़ी के साथ गैंग के साथ आए और हमारे ऊपर डायरेक्टली हमला कर दिया। तो उसी समय पुलिस वाले पीस में आए, वो हमारे पहले पुलिस चौकी में आके बैठ गए। पुलिस वाले ना मम्मी का बयान सुन रहे, ना पापा का बयान सुन रहे, ना भाई का बयान सुन रहे, ना किसने कुछ भी नहीं सुन रहे ये लोग। हाँ, उसके भाई, उसके चाचा जो था वो आया पीछे से, मैं मेरे भाई को बचाने गया तो उसने मेरे को देख के फिर से वो डंडा घुमाया और मेरे सर पे मारा। तो मेरे को 4 से 5 टाके लगे है, मेडिकल पुलिस वालों ने ही कराया। तो और उनको वहां से आने के पहले इन्होंने उनको वहां से छोड़ दिया और मम्मी पापा को बोलने गए, ये कुछ उनका सुन नहीं रहे। ये चक्कर में उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और उनको बाहर निकलो, पैदल जाओ, घर जाओ, कैसे जाना है वैसे जाओ, ये ऐसे ऐसे बोलने लगे। और घर पे आने के बाद भी पंचनामा किया इन्होंने, सब देखने के बावजूद भी क्योंकि इन्होंने हमको न्याय नहीं दिया, कुछ भी न्याय नहीं दिया, ना पुलिस वाले ने सपोर्ट किया। और वो उनके इधर के बोलते हैं कि हम देख लेंगे, पुलिस वाले हमारे अंडर में है, ऐसे धमकी देके हमको इधर उधर से करा रहे हैं, अभी हमको न्याय मिलना चाहिए बस। तो इसके सब हम आगे की इसमें हमारे को हमारे जो भी जान को, मेरे फैमिली को, मेरे भाई को, या जो भी कुछ भी नुकसानी होंगी, हमला होगा, तो यह हमको इससे बचना है और इसको रोक लगाना है। पुलिस वालों को भी सब पता रहने के बावजूद भी इन्होंने भी हमको न्याय दिलाना चाहिए।